फ्रेंड्स, हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई चाय पीना काफ़ी पसंद करता है और हर किसी के हर घर में आप देखोगे तो चाय अलग अलग तरीके से बनती है। बट आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपके घर में कोई फ्रेंड्स आते हैं या मेहमान आते हैं, आप चाय बनाने की कोशिश करते हो तो कई बार ऐसा होता है चाय की जो टेस्ट होती है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होती है या फिर कभी अच्छी बन जाती है, कभी थोड़ी ख़राब बन जाती है। तो आज हम बनाएंगे अपनी चाय इस तरीके से जिससे कि आपकी जो चाय होगी ना, काफ़ी कंसिस्टेंट बनेगी और जो आपका टेस्ट होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। मैं ये तो नहीं बोलती कि आपकी जो चाय होगी दुनिया की बेस्ट चाय होगी, बट आपका जो टेस्ट होगा आपकी चाय का, वो ऑलमोस्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। इसका रीज़न ये है कि जो हम चाय बनाएंगे ना, साइंटिफिक तरीके से चाय बनाएंगे जिससे कि आपका टेस्ट हमेशा एक जैसा हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम चाय बना सकते हैं जिससे कि हमारी चाय की जो टेस्ट हो हमेशा कंसिस्टेंट रहे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है, आपको दूध निकाल के बाहर रख देना है फ्रिज से और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। यहाँ पे मैं 3 कप चाय बना रही हूँ तो मैं 1.5 कप दूध ले रही हूँ। बट मेक श्योर कीजिएगा कि दूध जो है उबल के एक बार ठंडा हो चुका हो, आप उसी को यूज़ करें। तो इस मसाला चाय के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून टी, प्लस फ्लेवर के लिए हम लेंगे 2 इलायची जिसको हम कूट लेंगे। साथ में हम लेंगे 2 इंच के करीब जिंजर जिसको हम कूट लेंगे। आप इसे घिस के नहीं डालिएगा, कूट के ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप घिसेंगे तो चाय में थोड़ा सा फीकापन या कड़वापन आ सकता है, इसलिए आप इसे कूट के ही डालें। और फ्लेवर के लिए जो तीसरी चीज़ लेंगे वो है 2 लौंग। इन सब चीज़ों को हम ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाय गर्मी में बना रहे हो तो आप इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हो जिससे कि आपको ये कूलिंग इफेक्ट देगा। बट अगर आप चाय विंटर में बना रहे हो तो इसमें आप काली मिर्च और केसर डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। प्लस सर्दी जुकाम में भी काफ़ी फ़ायदा देता है। अब हम चाय की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो चलिए अब चाय बनाते भी हैं। तो हम गैस का फ्लेम बहुत हाई कर देंगे और इसमें पैन में 3 कप वाटर डाल के इसमें रख देंगे। आपको पानी को तेज़ आंच पे उबालना है। आप जितनी जल्दी उबालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम अपना बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। जैसे ही पानी उबलेगा हम अपना पहला प्रोसेस करेंगे जिसको कहते हैं इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी फ्लेवर वाली चीज़ें जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी, जैसे जिंजर हो गया, इलायची हो गई या फिर हमारा लौंग हो गया, इन सब चीज़ों को हम गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद निखर के आएगा। इस स्टेज में हम ना चाय पत्ती डालेंगे, ना दूध डालेंगे और ना ही चीनी डालेंगे। इस स्टेज में बस हमें फ्लेवर वाली चीज़ें डालनी है। इसको आपको 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है। अगर आप इसी सेम चीज़ों का अगर आप ठंडी चीज़ों में डालोगे तो आप देखोगे जो आपका चाय है वो थोड़ा फीका रह जाएगा, थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो बेटर है आप हमेशा जब भी डालें गर्म उबलते पानी में इसे डाल दें। 3 मिनट के बाद ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा वो पानी में। हम तब दूसरा प्रोसेस करेंगे जिसको हम कहते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग में हम डालेंगे अपनी चाय पत्ती इस चाय के अंदर। अब हर स्टेज पे हमारा फ्लेम जो होगा हमेशा मीडियम फ्लेम पर रहेगा, इसे हम अब हाई कभी नहीं करेंगे। तो हम इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती जब इस तरह से बाद में डालते हैं तो हमारी चाय जो होती है खिल के आती है, इसमें काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है। आपको जो भी टी पसंद है आप यहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखिए जैसे ही हम चाय पत्ती को पानी में डाल रहे हैं ये अच्छे से कलर छोड़ रही है। ऐसा होगा ही क्योंकि हमने इसे उबलते हुए पानी में डाला है। देखिए कैसे उबल उबल के ऊपर आ रहा है। और जैसे ही आपकी चाय पत्ती सेटल हो जाए तो आप इसमें चीनी भी डाल दीजिए। चीनी को हम चाय पत्ती के साथ ही डालेंगे, इसको हम दूध के साथ नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी जो है दूध को पतला कर देता है, फिर चाय अच्छी नहीं बनेगी। प्लस आपको अगर कड़क चाय बनानी है तो चाय पत्ती के साथ ही आपको चीनी डालनी होगी। अब 3 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए और कड़छी से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए बीच बीच में, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए चारों तरफ। कड़छी का हम बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में हमने जो दूध निकाल के रखा था उसको हम इस फ्लेवर वाली चाय में डाल देंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे इसके साथ। फ्रेंड्स, क्या रीज़न था कि हमने इसे ठंडा दूध नहीं डाला, हमने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध इसके अंदर डाला। जब भी आप ठंडा दूध डालते हो उसके अंदर तो आप पूरी चाय को एक टेम्परेचर शॉक मिलता है जिससे कि आपकी चाय बहुत अच्छी नहीं बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ठंडा दूध डालते हो तो जो घी होता है ना वो अलग सेपरेट हो जाता है और जब आप चाय में वो डालते हो तो फिर वो सेपरेट घी दिखता है, वो चाय अच्छी नहीं लगती है। इसके वजह से मैंने इसको बाद में नॉर्मल टेम्परेचर में करने के बाद इस गर्म फ्लेवर वाली चाय में हमने इसको डाला है। तो अब इसको बनने देंगे और 1 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। इस प्रोसेस में हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम फ्लेम होने के कारण ये थोड़ा ऊपर आएगा तो आपको कड़छी से उसको चलाते रहना है ताकि वो गिरे भी ना और प्लस वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए इसके अंदर। तो इस तरह से आप पका के इसे 1 मिनट तक पकाइए और उसके बाद आपकी चाय तैयार है। देखिए आपकी चाय का कलर कितना अच्छा आया है। लुक वाइज तो ठीक है, बट एक और नेक्स्ट स्टेप हमारा छूटता है, वो है हमारी चाय की अरोमा। अरोमा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, चाय के साथ भी ये अप्लाई होता है। जब भी आप चाय बनाया, जैसे आपके नाक के पास जाए, उसकी खुशबू हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके लिए हम डाल देंगे लास्ट में थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का पाउडर इसके ऊपर, और उसके बाद हम पियेंगे अपनी प्यारी सी अच्छी सी चाय। चाय ऑनेस्टली फ्रेंड्स बहुत लाजवाब बनी है। मैं दावे के साथ फ्रेंड्स कह सकती हूँ, अगर आप अपनी चाय इस तरह से बनाओगे तो आपकी जो चाय है हमेशा कंसिस्टेंस और टेस्टी बनेगी, और जब भी आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप इस चिंता में बिल्कुल नहीं रहोगे कि आपकी चाय कहीं ख़राब ना बन जाए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।